प्रश्न उठता है कि प्रेत क्या है। जिस प्रकार मनुष्य का जन्म निश्चित है, उसी प्रकार प्रत्येक जीवित प्राणी की मृत्यु निश्चित है। मनुष्य अपने जीवन काल में अनेक अच्छे बुरे कार्य करते हैं। उसे अपने घर परिवार का मोह होता है, जिनके कारण मृत्यु उपरांत भी मनुष्य की लालसा उनका पीछा नहीं छोड़ता। मृत्यु उपरांत भी उनका सूक्ष्म रूप भटकते रहता है। मनुष्य के इसी सूक्ष्म रूप को प्रेत कहा जाता है। मृत्यु के उपरांत शरीर तो नष्ट हो जाते हैं, किंतु सूक्ष्म रूप समाप्त नहीं होता। अपने कार्य के आधार पर मनुष्य प्रेत योनि को प्राप्त कर अनेक लोग का मानना है कि मनुष्य अपने संस्कारों के बल पर प्रेत योनि प्राप्त करते हैं। मृत्यु से पूर्व जिस व्यक्ति ने सदैव अच्छे कर्म किए हैं, अपने संस्कार के अनुसार जन्म लेते हैं। इनके विपरीत नीच कर्म करने वाले मनुष्य, जिन्होंने सदैव बुरे कर्म किए हैं तथा दूसरे व्यक्ति को सताया है, वह अपने कर्मों के अनुसार प्रेत योनि प्राप्त करते हैं तथा एक लंबे समय तक प्रेत योनि में पृथ्वी पर विचरण करते हैं। मनुष्य सदैव अपने मोह के कारण ही प्रेत बनते हैं और उस समय तक प्रेत बना रहता है जब तक कि उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। इनके अतिरिक्त बुरे कर्म भी प्रेत योनि का कारण है। उदाहरण के लिए, दक्षिण राजस्थान के महू में मालवा क्षेत्र से भूत प्रेत की अनेक कथाएं जुड़ी हुई हैं। जैसा कि बताया गया है कि प्रेतों के अनेक रूप होते हैं, अपने रूप के अनुसार भूत प्रेत इत्यादि के रहने के स्थान भी विभिन्न विभिन्न होते हैं। पिचास इत्यादि सूखे अथवा गीले तालाबों, नदी इत्यादि के किनारे पर निवास करते हैं। बैताल सुनसान भीड़ भाड़ से रहित एकांत स्थान तथा पेड़ इत्यादि पर निवास करते हैं। ब्रह्मराक्षस बड़े बड़े तथा घने वृक्षों जैसे कि पीपल, बरगद, नीम, कीकड़, बबूल इत्यादि पर रहते हैं। इनके अतिरिक्त पुराने टूटे फूटे मंदिरों तथा पुराने खंडहरों इत्यादि में रहते हैं। डाकनी बावड़ी कुएं के पास रहती है तथा शाकनी पिचासनी स्वतंत्र रूप से आकाश में विचरण करती है। प्रेतों के इस जाति के पश्चात आइए अब इन बातों की जानकारी लें कि प्रेत बाधा के क्या कारण होते हैं तथा पिचास योनि में योनि के लोग कैसे जाते हैं।